सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाइफा स्टडी, चेंजिंग द वे आप एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड यूपी बीटीसी से संबंधित। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्या है कि आप लोगों को कुछ पेज में और थोड़ा चेंजिंग मिलने वाला है। जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर अबाउट यूपी डीएलएड 2019 काउंसलिंग रीड मोर पे करेंगे, तो आपको घोषणा की प्रतीक्षा करें। और एक चीज़ और है यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अबाउट डीएलएड में अगर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दोस्तों ऊपर आप लोगों को भी मिलेगा यहाँ पर शेड्यूल आप लोगों को यूपी डीएलएड 2019 का। तो दोस्तों, एक चीज़ आप लोग गेस कर सकते हैं कि अगर इनको फॉर्म नहीं निकालना होता तो ये क्यों शेड्यूल वगैरह घोषणा की प्रतीक्षा करे करते। अभी कुछ लोग क्या कमेंट कर रहे हैं कि घोषणा की प्रतीक्षा करें, मतलब ये भी कह सकते हैं हाँ कि फॉर्म आपके बाहर नहीं आएगा, और ये भी कह सकते हैं कि हाँ फॉर्म आएगा। तो ये बताओ, अगर उनको फॉर्म नहीं लाना होता तो ये शेड्यूल वगैरह की घोषणा की प्रतीक्षा क्यों करते? ये तो सीधे सीधे बोल देते ना कि हाँ आप घोषणा की प्रतीक्षा एक जगह दे देते कोई न्यूज़ वगैरह में। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, यहाँ पर दे सकते थे ना कि घोषणा की प्रतीक्षा करें, या फिर नोटिफिकेशन में दे सकते थे कि हाँ घोषणा की प्रतीक्षा करें, ना कि यहाँ पर शेड्यूल में देते। शेड्यूल में देते तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दें कि फॉर्म अब आएंगे, ज़रूर आएंगे, यही 10 जुलाई के पहले पहले फॉर्म पक्का आ जाएंगे, लेकिन डेट अभी कन्फर्म नहीं है। 10 जुलाई के पहले पहले फॉर्म आ जाएंगे यहाँ पर। और एक चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्या था पिछली बार अभी 2 दिन पहले जब ये साइट अपडेट नहीं हुई थी, तब यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करते थे तो 2018 का दिखाता था सब, लेकिन यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी कुछ खुल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह के अभी इस लिंक नहीं डाली गई हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स वगैरह 2018 के सब दिखा रहा है, 2019 का कोई ऑर्डर नहीं दिखा रहा है। और इंस्टीट्यूट प्रोफाइल यहाँ पर भी नहीं, काउंसलिंग कुछ ही, मतलब अब साइट एकदम अपडेट हो गई है, यहाँ पर खुल कुछ भी नहीं रहा है, बस फॉर्म आने की देरी है। तो फॉर्म मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म 10 जुलाई से पहले पहले आ जाएंगे। और जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ आपको कैसे पता 10 जुलाई से पहले पहले आ जाएंगे, या फिर आप लोगों को कैसे पता कि फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मैसेज करिए। मैं उस मेल को आप लोगों को दिखाऊँगा जो मैंने मेल किया था, यूपी डीएलएड को मेल किया था ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहाँ पे दोस्तों एक उधर से मेल आया था, तो मैं उसकी शॉर्ट स्क्रीन आपको दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। आप लोग जो लोग को अगर नहीं कंफर्म है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा वो शॉर्ट स्क्रीन। हालाँकि 2-3 लोगों ने मैसेज किया था, मैंने उनको दिखाया भी शॉर्ट स्क्रीन वो, तो आप भी अगर देखना चाहते हैं तो आप भी मैसेज करिए उस पर और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और दोस्तों कुछ लोग कमेंट में ये भी करते हैं कि सर मेरा 220 नंबर है, 200 नंबर है, 190 नंबर है, मुझे जनरल का हूँ, ओबीसी का हूँ, एससी का हूँ, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज डायट या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक बार और बताना चाहेंगे आप लोगों को कि आप लोगों को एक इसके ऊपर मैंने एक वीडियोज़ बनाया था, वो वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को, कट ऑफ वाली वीडियो को देख सकते हैं। सेम कट ऑफ मैं भी बताता हूं, वही उसी कट ऑफ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और कुछ दोस्तों का ये भी कमेंट है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आज़ाद निवास ये कितने दिन तक मान्य होते, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो आज़ाद निवास होते हैं ये इशू डेट से, जिस डेट को ये इशू होता है उस डेट से और 3 ईयर तक, 3 साल तक मान्य होते हैं, उसी डेट तक, जिस डेट से इशू होगा उसके 3 साल बाद उसी डेट तक मान्य होते हैं, 3 साल तक मान्य होते हैं दोस्तों। तो ये भी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे। और कुछ स्टूडेंट का ये भी कमेंट था कि सर अब तो फॉर्म पक्का आएगा, तो हाँ जी हाँ दोस्तों, फॉर्म तो पक्का आएगा ही। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियोस बना दीजिए, तो डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियोस मैंने बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं एक और वीडियोस बना दूंगा डॉक्यूमेंट के लिए कि क्या क्या उसमें लगेगा, ऑनलाइन कराने में, रजिस्ट्रेशन कराने में क्या क्या लगेगा, उसके ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगा। हालांकि मैंने एक वीडियोस बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन आप लोगों को बताना था, तो इस वजह से मुझे ये वीडियोज़ बनाना पड़ा, क्योंकि हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों को पहले से ये सारी जानकारी है।
है, मुझे पता है कि पहले से जानकारी है, सारे लोग अब सारे लोग नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, सारे लोग के पास मोबाइल है, तो सबको पता होगा, लेकिन तब भी मुझे बताना आप लोगों को था, इस वजह से मैंने ये वीडियोस बनाया। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को कोई भी फेक वगैरह न्यूज़ नहीं मिलेगी। अगर न्यूज़ नहीं आ रही तब न्यूज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी कि हाँ कन्फर्म डेट बता दें हम भाई कि हाँ चलिए थंबनेल पे हमने लिख दिया कि हाँ 2 जुलाई को कन्फर्म है आएगा, तो इससे में क्या होगा यार। अभी मैंने लिख दिया ऊपर कि हाँ जुलाई में 2 जुलाई को कंफर्म डेट आ रही है, लेकिन अभी मैंने अंदर बताया कि अरे यार जुलाई में नहीं आ रही है, बस ये है कि हाँ जुलाई मंथ में आ सकता है फॉर्म, तो इससे क्या होगा। तो इससे गलत इफेक्ट पड़ेगा, आप लोगों का विश्वास उड़ जाएगा कि बताइए वो थंबनेल पे क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, अंदर क्या बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मैं जो दिखाता हूँ वही मैं अंदर बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक रहता है कि दोस्तों जय हिंद जय भारत। आपका कोई भी कमेंट हो तुरंत कमेंट में आप बताइए, हम तुरंत आप लोगों का उसका समाधान करेंगे।